फिर से एक डार्क प्लेस में जाने वाला oh, है। oh. आपकी hmm. जिंदगी का सबसे वर्स्ट दिन कौन सा था उस दिन के बारे में बताइए सी hmm. वैसे तो बहुत सारे ऐसे दिन हो सकते हैं जो उस टाइम आपको लगे दैट्स द वर्स्ट आई थिंक लूजिंग योर लव वन ओके या आप बताइए नहीं आपके साथ ही रहते थोड़ी देर ओह गॉड जिस तरीके से आई थिंक हुआ इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड साधा रो न आ गया नहीं इस, इस फॉर्मेट में ऐसी चीजें होती है एक साल पहले मैं <coughs> थर्सडे डे की प्रमोशन कर रही थी और uh, मुझे पता था मेरे लिए करियर में एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म होने वाली है पहले भी ऑफ ऑफकोर्स पास में रिसेंटली स्पेशली विद एंड बाला उसके बाद जो एक uh, करियर में एक शुरुआत हुई एक तरीके से दैट वाज वो मेरे लिए बहुत एक एक होता ना एक ग्रेजर वो था और एक हर एक की लाइफ में होता है आप किसी भी एक्टर को या किसी को भी देख लें वो मोड या तो आपको वक्त लगेगा आपकी पहली सक्सेसफुल फिल्म में या अगर आपको शुरू में ही सक्सेस मिल जाए पर आपको वो फेज पार करना ही है जहाँ पर यहाँ के बाद आप यहाँ आएंगे और फिर आप यू नो यू टेक ऑफ तो uh, और uh, मेरी नानी मेरे लिए बहुत हो रही है कि uh, सभी करते हैं एम श्योर पेरेंट्स यू नो दे pray for you और, uh, <clears throat> just going low it's okay but success आप देख रहे हो शुरुआत में मेरे साथ travel करती थी और uh, मैंने एक्चुअली आज का दिन है जो मैंने uh, मीडिया में ये बात शेयर की अबाउट मैं नानी मैंने एक साल तक मेंशन <clears throat> ही नहीं किया यूजुअली ऐसा कुछ होता है आप आजकल अगर आप सोशल मीडिया पे आप कुछ पोस्ट आ, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई एंड आई वर नॉट लाइक सींग बट आई थिंक हैप्पी समवेयर ये आपकी स्ट्रेंथ है जो लोगों को दिख रही है आपका वीकनेस नहीं है नहीं इन द सेंस की मैं रोक ही नहीं पाती हूँ खुद को जब मैं वो सोचती हूँ एंड इसके पीछे दो तीन रीजन्स हैं एक तो शुरुआत में मेरे साथ रही और हमेशा वो बोर्डिंग पास रखती थी और सबको उनको बहुत शौक था कि यामी ने मुझे यू you नो know, यहाँ घुमाया यहाँ लेकर गई उन्होंने सब बोर्डिंग पासिस डे वन के रखे हुए थे यू नो इवन फ्लाइट्स में जो तो छोटे छोटे वो बटर एंड जैम वुड जस्ट की ऐसा ऐसा होता है एंड uh, इतनी अच्छी कंपेनियन और इतनी ब्रॉड माइंडेड और इतनी सपोर्टिव जो मैं आपको कह रही हूँ कि कंसर्न होता है फैमिली का कि इंडस्ट्री में कितना कुछ आपने सुना होता है बट शी उज लाइक नहीं ऐसा नहीं है मैं अपनी बेटी को जानती हूँ तुम यू नो आप डटे रहो कोई बात नहीं कुछ नहीं है विरो तो शी वॉज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट लीडर्स एंड तो जब ये फिल्म आई और जब भी मेरी कोई फिल्म होती थी सबको रिलेटिव को, को फ़ोन करना है हिमाचल में बहुत ज़्यादा थिएटर्स नहीं हैं तो uh, यहाँ देखना या चंडीगढ़ आ जाओ या uh, उस थिएटर में देख लो शिमला मेक है एंड ऑल दैट आप तो बहुत बहुत खुश होती थी न्यूज़ के न्यूज़ पेपर क्लिपिंग्स लगती थी तो जब ये फिल्म आनी थी मुझे पता था दैट शी विल लव इट और मुझे एक काइंड ऑफ ए गट फीलिंग थी दैट आपको पता होता है एज एन एक्टर द ट्रूथ अबाउट यूर सेल्फ कि आपका किस तरह का काम रहा है किस फिल्म में या यह फिल्म क्या पोटेंशियल रखती है टू डू ऑफकोर्स बाकी सब आप गलत भी हो सकते हो डिपेंड्स ऑन देंस बट था कहीं ना कहीं मुझ में वो फेथ तो मैं वेट कर रही थी कि जैसे ही uh, ये फिल्म रिलीज होगी ऑब्वियसली यू नो वो बहुत खुश होंगी एंड जिस लास्ट के दिनों में प्रोमोशन्स के मैं पूछ रही हूँ मैं उनसे बात नहीं कर पा रही थी बिकॉज कोर्स प्रोमोशंस है ये सब पर मैं ऑलरेडी उनको बोल चुकी थी कि ये फिल्म आने वाली है और आपको देखनी है वो सब्सक्राइब कर लेना वो आ, वो प्लेटफॉर्म एंड एवरी थिंग लास्ट के चार पाँच दिनों में मैं उनसे बात नहीं कर पाई पर ऑफकोर्स मैं अपनी मम्मी से बात करती थी कि आ, कैसे हैं ठीक है उन, उनको बता दिया ना उनको याद है एंड माई मॉम एंड माई नानी एट पास्ट एंड शी सेट या तो आई एम सींग द स्ट्रेंथ ऑफ अ मदर माई मदर टू होल्ड दैट इंफॉर्मेशन जस्ट सो दैट आई डोंट गेट डिस्टर्बड उनको पता था कि मैं आई कंप्लीटली यू नो नॉट बी इन इन अ बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड विच आई नीड टू बी बिकॉज आप आप रोज बात कर रहे हैं आप अपना काम कर रहे हैं मैं शायद नहीं ले पाऊंगी तो दे हेल्ड इट अंटिल थे, फिल्म रिलीजन उनको पता है कि मैं आपको टाइम नहीं मिलता सोशल मीडिया का आजकल लोग फेसबुक पे डाल देते हैं मैं मैं नहीं हूँ तो और सबको मना किया होता डोंट टेल अंटिल द फिल्म गॉट रिलीज एंड सडनली इट वॉज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फिल्म देन आई वॉज इन्फॉर्मड इन आई डेंट नो वॉट टू नो अ स्ट्रेंथ एंड ब्लेसिंग्स ऑफ माई ग्रैंड मादर और जैसे ही मुझे पता चला ऑफकोर्स uh, वो जरा भी प्रमोशंस कर रहे थे बट आई वेंट वो वन डेट आई हैव टू नो मैटर वॉट कुछ भी हो विव टू बी आई वेंट एंड आई लिटरली फेल्टैट ये ब्लेसिंग्स ही है उनकी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ माई मदर मुझे नहीं लगता वो स्ट्रेंथ मैं होल्ड करती हूँ या वो बात ही कुछ और जनरेशन की एंड द स्ट्रेंथ ऑफ वो मदर सो दैट वो या बड़ी ब्लेसिंग्स की शुरुआत भी है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू बी एबल टू यू गो थ्रू दिस हां वो दिन बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल था लिए। लोग आपके इस रियलनेस की वजह आप से आपसे इतना प्यार करते हैं लाइक यू आर वेरी रियल थैंक यू मतलब कभी कभी लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें होल्ड बैक करना ज़रूरी है, कुछ इमोशंस इसलिए मैंने शायद अब तक खुल के इस बारे में बात नहीं की बट हा एक वक्त आता है जहां आपको यू हैव टू कम टू टर्म्स विद इट स्पेशल थैंक यू फ्रॉम द हार्ट